अररिया महाविद्यालय अररिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक दीपक कुमार मंडल के नेतृत्व में भौतिक विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार झा की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि अररिया महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रऊफ थे। उन्होंने कहा कि अशोक कुमार झा हमारे काफी करीबी मित्र थे और उनके जाने के बाद अररिया महाविद्यालय में काफी प्रशासनिक पकड़ कमजोर पड़ गई है। डॉक्टर अशोक बाबू अररिया महाविद्यालय को अपनी कर्मभूमि मानते थे, कॉलेज के विकास के लिए हमेशा सोचते रहते थे और उनके जाने की कमी कॉलेज को काफी खल रही है। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक पाठक ने कहा कि अशोक बाबू जिंदा रहते तो आज परीक्षा भवन, इंदौर स्टेडियम तथा बालिका छात्रावास का कार्य पूर्ण हो गया होता। उनके जाने के बाद महाविद्यालय में ध्यान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आज उन्हीं के बदौलत अररिया महाविद्यालय के परिसर हरे भरे नजर आ रहे हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्णिया विश्वविद्यालय की शिक्षक संघ के संयोजक डॉक्टर वसीक अहमद ने कहा कि अशोक बाबू अररिया जिला के विकास की चिंता हमेशा करते रहते थे। इस अवसर पर अररिया महाविद्यालय के सभी कॉलेज कर्मी तथा दर्जनों छात्र उपस्थित थे। अशोक सर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्होंने यहाँ के पत्रकारिता जगत के माध्यम से यहाँ जो छुपी प्रतिभा थी हर हमेशा उनको निखारने का काम कर रहा था। हमसे अशोक सर से परिचय 2015 में हुआ था और उस समय हम विद्यार्थी परिषद में आए ही थे। आने के बाद जब उनसे संपर्क में आए तो वो हर हमेशा हम लोगों को बताते रहते थे कि तुम लोगों के लिए ये सबसे अच्छा मुद्दा है, इस मुद्दा को उठाओ और इस पर संघर्ष करो, आगे बढ़ो। उसी समय पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाने का संघर्ष समिति बना था पूर्णिया में, उसमें यहाँ के लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन अशोक सर दैनिक जागरण अखबार में एक ऐसे खबर छापे जो मेरे दिलों को छू गया। हमने पूर्णिया के कुछ जो छात्र नेता थे उनसे जाकर के संपर्क किए कि पूर्णिया विश्वविद्यालय छात्र संघ पूर्णिया में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर जो संघर्ष समिति बना है उनका सदस्य हम भी बनेंगे और इसमें चाहे जो भी हो हम महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहां जाने के बाद हम लोगों को मुख्यमंत्री का वो चीज वो जानते थे, अक्सर उनका पेपर में कुछ न कुछ इस इलाके के बारे में रहता ही था। वे स्वभाव से बहुत अच्छे थे, उसमें कहीं कोई जरा सा भी घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सबों से मिलते थे, अक्सर सुबह में वो मॉर्निंग वॉक में निकलते। प्रोफेसर अशोक झा का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि शिक्षक और शिक्षेतर कर्मी जो भी इस महाविद्यालय के हैं उनको इसमें रुचि लेना चाहिए। यहाँ अप्रोच करके हुआ, वे अररिया कॉलेज को थोड़ा बहुत स्वरूप देने का काम किया। कॉलेज में जितना भी वृक्षारोपण है, पहले एकदम देखे बालू का बुर्ज था और हम भी NSS कार्यक्रम पदाधिकारी थे, हम भी उनको साथ दिए, लेकिन वन विभाग में हर जगह हर ऑफिस में उनका अप्रोच था। वे अपने अप्रोच से जो है गए, पास कराए, गेबियन के साथ रहे, हम तो 500 वृक्ष लगवाए। अशोक बाबू तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन वह पेड़ जब तक रहेगा, जब तक ये मकान रहेगा, अशोक बाबू कभी भुला नहीं सकते हैं। अशोक बाबू के दिन में बहुत सारे योजनाएं पास कराए थे, क्या ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आगे शहर में पहली बार हैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉगिंग टाइल, प्रकाश बाउंड्री वॉल और चेकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है हैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरवेस्ट कंट्रोल डोरिया सोनापुर अरलिया। टॉयलेट, प्रकाश बाउंड्री वॉल, इंटरलॉगिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदनकटी अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर, NH 57 से पूरब।
आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईट बी चौक अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जीवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।